देश में अगले दो महीनों के अंदर यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक तमाम राजनेता जनता को लुभाने के लिए चुनावी रैलियों में लगे हुए हैं। आज गुरुवार को उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यूपी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां होनी है तो चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विक्ट्री मार्च भी निकालेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हल्द्वानी में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अमित शाह में यूपी में 3 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें केजरीवाल चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च का नेतृत्व करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2022 की शुरुआत होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। शाह लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, साथ ही पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी फीडबैक भी ले रहे हैं। इसी अभियान में जुटे अमित शाह आज यूपी के 3 जिलों मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह सबसे पहले दोपहर 12 बजे मुरादाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह दोपहर 2 बजे अलीगढ़ पहुंचकर एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। मुरादाबाद और अलीगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद अमित शाह उन्नाव के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां शाम 4 बजे एक जनसभा भी होने वाली है। उन्नाव की आखिरी रैली के बाद शाह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि अमित शाह चुनावी तैयारियों के मद्देनजर लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे। वहीं अब अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च का नेतृत्व करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि चंडीगढ़ निकाय चुनाव में मिली सफलता के बाद निकाले जाने वाले इस विक्ट्री मार्च में आप पंजाब के सभी बड़े नेता और सभी जीते हुए पार्षद भी शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा होगा, वो 31 दिसंबर का है। लेकिन शहर के आईटीआई मैदान पर सीएम योगी की जनसभा होगी। सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव से रायबरेली आ रही जन विश्वास यात्रा का समापन भी करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी के कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। वहां आईटीआई मैदान में कारपेट से बिछाने से लेकर बैरिगेटिंग लगाना तक शुरू कर दिया गया है, साथ ही स्टेज भी लग चुका है। इसके अलावा दूसरे कामों को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यानी आज और कल पूर्व उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और साथ ही पंजाब में ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही हैं। साथ ही कई बड़े बड़े नेता इन तीनों ही राज्य में पहुंचेंगे।